देखिए बदलाव तो बहुत है. इनफैक्ट जो मेरे साथ काम भी कर रहे थे मुझसे आगे निकल गए, बट दैट्स ओके. मुझे कोई मतलब उसका यू नो असर नहीं पड़ता है, बिकॉज आई वॉज पूजा डडवाल एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी पूजा डडवाल. बस इतना ही है कि कुछ गलत फैसलों की वजह से आई टुक अ ब्रेक, और रादर आई शुड से इंडस्ट्री से दूर चली गई, जबकि मुझे समझना चाहिए था कि इंडस्ट्री ही मेरी फैमिली है, मेरे ब्रदर है, मेरे सिस्टर है, मेरे माँ बाप है, मेरे फ्रेंड है. बट कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, सो इट्स अ कम बैक विद अ बैंग नाउ अगेन. एंड क्या खास बात रही शुक्राना गुरु नानक देव जी फिल्म में? हाँ जी. क्या खास बात रही, यू नो जैसे कमबैक फिल्म थी तो ऑब्वियसली खास तो होना ही चाहिए था. यस. तो क्या खास बात रही इस? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टीम है, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल माय डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी, ही इज़ अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड उनको विश्वास है एक चीज़ पे, वो है पूजा डडवाल. उनका ये विश्वास देखकर मैं हिल गई. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, एक इंसान जिसने पंजाब में यू नो मेरा यूट्यूब पे देखा, वट एवर माई प्रॉब्लम्स वर, आई मीन व्हेन आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, एंड उस वक्त उन्होंने मेरा नंबर निकाला, मुझे कॉन्टैक्ट किया. एक दो दिन तो मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ वन ऑफ दोज पीपल, मुझे तो कम से कम 200 कॉल आते एवरी डे. बट ही केम फ्रॉम पंजाब टू मीट मी एंड मुझसे मिले, एंड उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि पूजा जी इसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं नहीं जानता आपकी लाइफ के बारे में, बट आई हैड इमेजिन्ड कि ये सब चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में. आई सेड ओ माय गॉड, यू आर अ रीडर, मैं आपके साथ ये फिल्म कर रही हूँ, ख़त्म कहानी. बट देन आफ्टर दैट फिर भी आई सेड कि नहीं यार, लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अंदाज़ा लगा लेते हैं दिस एंड दैट, बट दिस पर्सन वॉज लाइक टोटली मतलब कहते हैं ना बिहाइंड मी. नहीं नहीं, मैंने आपके साथ ही बनानी है फिल्म. आई सेड प्रोड्यूसर कौन है? ओके ठीक है, प्रोड्यूसर को भी मैं लेकर आता हूँ. मेरे घर पे आए थे. ओके विकास जॉली जी जो है मेरे प्रोड्यूसर, वो भी आए. फिर दोनों का जो मैंने देखा यू नो जो वो जज्बा था, आई सेड नो पूजा डडवाल, दिस इज द राइट फिल्म फॉर यू टू कम बैक, दैट्स इट. यस ओके. सो बताइए, यू नो बहुत कुछ इन दो डेकेड्स के दौरान बहुत कुछ चीजें हैं जिससे गुजर चुकी, बहुत कुछ लाइफ ने दिखाया, उस फेज के बारे में क्या कहना चाहिए? सी आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन द पास्ट एंड आई एम लुकिंग अहेड इन माई लाइफ, बिकॉज पास्ट को सोच सोच के आई डोंट वॉन्ट टू गेट बैक टू द हॉस्पिटल, सो आई एम लुकिंग स्ट्रेट इन माई लाइफ. एंड मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि लाइक आई सेड सुरेंद्र सिंह जी जो मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर है विकास जॉली जी, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दैट राइट. यस. लेकिन यू नो ऑल्दो आपने कहा कि आप पास्ट को नहीं याद करना चाहती हैं और पास्ट को भूलना चाहती हैं, लेकिन वो एक चीज थी जिससे जिससे आप बहुत कुछ सीख भी सकती थी या फिर बहुत नीचे भी जा सकती थी. देखिए नीचे जाना तो मैंने कभी सीखा नहीं लाइफ में. हाँ सीख तो बहुत मिल गई मुझे एंड नाउ आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माय वर्क, दैट्स इट. लेकिन कौन एक वो एक कौन पर्सन रहा यू नो जिसका साथ? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. अच्छा यू मीन अबाउट मोटिवेशन? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यस, माई वेरी क्लोज फ्रेंड राजेंद्र सिंह जी, मेरे क्लोज फ्रेंड ही नहीं है, ही इज़ माई गॉड फादर, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा उस वक्त जिस वक्त सब ने मेरा हाथ छोड़ दिया था. एंड दैट इज़ द टाइम आई केम टू मुंबई एंड बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट टू नो दैट यू नो आई वॉज गोइंग थ्रू ट्यूबरक्लोसिस. बट इतना ही था कि उन्होंने मैंने तो उनसे कह दिया था कि छोड़िए ये ट्रीटमेंट वीटमेंट कुछ नहीं होने वाला, पूजा डडवाल इज़ फिनिश्ड. ही सेड नो, पूजा डडवाल कैन नॉट बी एवर फिनिश्ड. एंड दैट इज़ वेयर फिर उन्होंने संपर्क किया बींग ह्यूमन से, सलमान खान जी से. एंड सलमान खान ही केम इन टू माई लाइफ एंड ही रियली हेल्प माई हैंड लाइक अ रॉक. इवन टूडे ही इज़ देयर बिहाइंड मी. मिली आप उनसे? बस मिलने वाली हूँ, बस मिलने वाली हूँ, आपको न्यूज़ मिल जाएगी, डोंट वरी. किस तरह से कांटेक्ट चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा? नहीं वो नहीं बता सकती, इट्स अ पर्सनल, दैट्स व्हाई. जी ओके. सो बताइए फिल्म की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से? आज तो पोस्टर लॉन्च है. आई विल बी फ्लाइंग ऑन द 20th टू चंडीगढ़, वहाँ से फिर मैं जाऊँगी अमृतसर, बिकॉज आज जब हमने शुरुआत भी की, फर्स्ट वी वेंट टू द यू नो गुरुद्वारा, वहाँ पर मैंने माथा टेका एंड देन वी स्टार्टेड अवर डे. एंड शूटिंग भी जो है 20th आई बी फ्लाइंग टू लाइक आई सेड चंडीगढ़, देन आई बी गोइंग टू अमृतसर. गोल्डन टेम्पल पे पहले हम मथा टेकेंगे बिकॉज द फिल्म इज़ ऑन गुरु नानक जी. एंड फिर उसके बाद 21st से वील स्टार्ट कमेंसिंग शूटिंग. यू नो बीच में जब ये न्यूज़ आई कि पूजा डडवाल स्टार्टेड विद डिफरेंट सर्विसेज, दैट इज़ ऑल बुलशिट.
इट्स नॉट माय टिफ इन सर्विस नो 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 तो क्या है सच्चाई इसके पीछे की सच्चाई तो यही पूजा दरवाल वाज बोर्न टू बी एन आर्टिस्ट एंड शी इज गोइंग टू बी डाइंग एज एन आर्टिस्ट ये टिफिन सर्विस वगैरह कुछ नहीं है इट इज बेसिकली जैसे कि मैंने कहा लाइक माय गॉडफादर राजेंद्र सिंह जी उनका केटरिंग बिजनेस है ये इट्स नॉट इवन सर्विस बट आई डोंट नो व्हाई पीपल यू नो ने मसाला मिर्ची डाल के उसको टिफिन सर्विस बना दिया बट यस सिटिंग एट होम लाइक आई सेड Instead of getting into depression or, you know, kind of frustration, yes, मैं उनका हाथ पटाती हूँ. But it is not a tiffin service, it's a catering basic business. It's a business what he's doing. He's not doing tiffin service. डब्बा उठा के नहीं लेके जाता कोई हमारे घर से. It is a proper catering business. You know, जब आपने इंडस्ट्री का साथ चाहा, हाँ जी. किस तरह से इंडस्ट्री का साथ आपको मिला और क्या कहना चाहेंगे इस पर? वेल इंडस्ट्री का साथ तो मुझे हमेशा मिला जब भी मैंने चाहा लाइक आई सेड लाइक यू इवन आस्क्ड मी कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में आपको सीख मिली मुझे सीख मिल चुकी है तो लाइक आई सेड नाउ आई एम कमिंग बैक टू द फैमिली प्लीज एक्सेप्ट मी बैक आई एम कमिंग बैक टू द फैमिली दैट इज द फिल्म इंडस्ट्री जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी क्या कहना चाहेंगी यू नो अब इसके बाद आगे की क्या प्लान्स हैं आपके आगे भी दो तीन प्रोजेक्ट्स आर लाइंड अप इनफैक्ट जिनके साथ अभी इस वक्त मैं काम कर रही हूँ सुरेंद्र सिंह जी के साथ उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मैं कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स टाइटल सुन के तो यू विल नो व्हाट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग इन दैट इज कॉल्ड ब्यूटिफुल वाइफ सो आई एम प्लेइंग अ वेरी गॉर्जियस रोल इन दैट So, like I said, an actress should always be versatile. अब यहाँ पर मैं simple role कर रही हूँ in this film, Guru Nanak Ji. And now in the next film, you'll see me with all masala mirchi and gorgeous Pooja Dadwal back again. So, all that I would say is, like I said, patience pays and my patience has started paying. अब ऐसा लगता है पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। पीछे मुड़ना तो मैंने कब का छोड़ दिया, अब तो नहीं देख सकती, not possible. ठीक है हम बहुत बहुत ऑल द बेस्ट देना चाहेंगे थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट करना थैंक यू सो मच प्लीज़ प्रे फॉर अस एंड मुझे पता है आप लोगों की प्रेयर की वजह से मेरी ये फिल्म अवार्ड तक जरूर पहुंचेगी होप फॉर द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू प्लेजर टॉकिंग थैंक यू